कांग्रेस द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पहले कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने की सलाह दे रहे हैं, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पलटवार किया है और अपनी पार्टी की चिंता करने की नसीहत दे डाली है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा अपनी पार्टी के बारे में सोचे, कांग्रेस ने क्या करना है वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की है। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक चलेगी और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो केंद्र में भाजपा सरकार है वो जन विरोधी है और उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। पैदल जाकर कांग्रेस के नेता लोगों के बीच जाएंगे और लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा हिमाचल से होकर भी गुजरेगी और उसमें शीर्ष नेता वहां पहुंचेंगे। यात्रा में जुड़कर लोगों के समक्ष इस सरकार की कारगुजारी रखेंगे और कांग्रेस के लिए मजबूती लाने का काम भी किया जाएगा। कि वो अपनी पार्टी की जो बात है ना उस तक सीमित रहे, हमने क्या करना है क्या नहीं करना, दैट आवर लीडर्स हैव टू सी। हमारे जो शीर्ष नेता है वो देखेंगे कि हमने भारत जोड़ो करने है या कोई और उसको नाम देना है, तो सभी ने ये ठीक समझा होगा। और राहुल गांधी जी ने इसकी शुरुआत साउथ से की है, वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाकर इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये भाजपा का नेतृत्व है केंद्र में, उसके खिलाफ लोग हैं, उनकी आवाज़ को एकजुट करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम हर क्षेत्र में पैदल जाकर लोगों से डायरेक्ट संपर्क बनाएंगे ताकि लोगों की आवाज़ को भी हम सुने और लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर भी मंथन किया जाए। उनकी यात्रा ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जोड़ा नहीं गया, बट वो यात्रा जैसे बनाई है उसके मुताबिक चल रही है। ऑब्वियसली जब वो पठानकोट तक पहुंचेंगे तो साथ में ही हिमाचल प्रदेश का इलाका भी है, तो उसमें भी उनकी यात्रा होगी और वहाँ पर भी हमारे शीर्ष नेता पहुँचेंगे और वो भी इस यात्रा में जुड़कर अपने भाव उनके सामने रखकर ये आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूती दिलाने का काम करेंगे। पता लग जाएगा, उसके बारे में भी मंथन किया जा रहा है कि कौन कब आएगा, उसका जब टाइम आएगा तो उनको मैदान में उतारेंगे और वो आएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार के लिए काम करेंगे।